हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कल। ये क्लास नाइन्थ मैथ का चैप्टर 10 है। ठीक है, हम पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 10.5 सॉल्व कर रहे थे, ये उसी का पार्ट सेकंड है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सॉल्व कर लिया था, आज 7 से लेके 12 तक लगाएंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक, ठीक है, ये इतने क्वेश्चन लगाने के लिए आपको फिर से ये चीजें आनी चाहिए। ठीक, देखिए, सबसे पहला क्या है कि इस चैप्टर के सारे थ्योरम आपको पता होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर सेकंड क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये चार चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक लगाने में आपको आसानी होगी। अगर आपको इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जाके एक बार इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लें। ठीक है, फिर ये लगाने में आपको आसानी होगी। और अगर आपको थियरम्स नहीं आते हैं, ठीक, तो आप प्लेलिस्ट में पिछले के जो वीडियो लेक्चर हैं सर्कल चैप्टर के, वो सारे जाके पढ़ लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इफ द डायगनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और वो ऐसा है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ बनता है, एक सर्कल के अंदर बनता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या खास बात है कि इसके जो चार वर्टिसेस हैं, ठीक है, ए बी सी डी, वो सब कहाँ पे हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं। ठीक है, यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्या कह रहा है कि इसके जो डायगनल्स हैं, यानी बी डी सॉरी बी को डी से अगर मैं मिला दूं और ए को सी से मिला देता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक, ये क्या है, ओ है इस क्वेश्चन के हिसाब से। या कहें कि ये जो इसके डायगनल्स हैं वो क्या है, इस सर्कल के डायमीटर्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अब अगर ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जिसके डायगनल्स डायमीटर की तरह वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अब देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल, सेंटर ओ है इसका, ठीक है, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, इनके जो डायगनल्स है ए सी और बी डी, ठीक है, वो सेंटर से होके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी और ए सी डायमीटर्स हैं। ठीक है, अब बताइए कि हम प्रूव कैसे करें कि ये एक रेक्टेंगल है। देखिए, सबसे पहले हमें तो पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसमें क्या होता है कि सभी एंगल, ठीक है, जितने भी इसके इंटरनल एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो आमने सामने की साइड्स हैं उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। अब देखिए, इसमें हम क्या कर दें, यहाँ पे हम ऐसा क्या प्रूव कर दें, ठीक है, कि ये जो ए बी सी डी है ये एक रेक्टेंगल प्रूफ हो जाए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, उसी का यूज करके हम किसी तरीके से 90 डिग्री इन एंगल्स को अगर हम प्रूव कर दें तो ये कह सकते हैं कि क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा।
अब देखिए हमारे पास क्या है, बी डी एक डायमीटर, ठीक है। डायमीटर से देखिए डी ए बी ये डायमीटर है, डायमीटर से यहाँ एक एंगल बन रहा है डी ए बी, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। वहीं देखिए इस साइड अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बन कैसे रहा है, हमें पता है कि सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। अब देखिए बी डी अगर एक डायमीटर है तो ये जो पूरा सेक्शन है सर्कल का, ये पूरा, ये क्या होगा, ये एक सेमी सर्कल ही तो होगा, ठीक है। तो इस सेमी सर्कल में अगर आप देखेंगे तो ये एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब देखिए इस डायमीटर की वजह से मैं इसको भी 90 कह सकता हूँ, इसको भी 90 कह सकता हूँ, फिर इस डायमीटर को अगर आप लेंगे तो ये 90 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए चारों इंटरनल एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो आइए प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। देखिए सर्कल है हमारे पास सी, सेंटर ओ है और रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक। इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, जिसमें जो डायगनल्स हैं ए सी, ठीक है, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये ए बी सी डी है, और उसमें जो ए सी और बी डी है वो सर्कल के क्या है, डायमीटर्स है, ठीक। तो ये बहुत सीधा सा सॉल्यूशन है इसका। लिखते हैं एंगल डी, इसकी बात करता हूँ, डी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, एंगल फॉर्म्ड इन ए सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल में बना एंगल है इसीलिए 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल बी सी डी 90 डिग्री हो गया, कॉमा लगाते हैं। अब इसकी बात करता हूँ, इस डायमीटर को अगर आप लेंगे तो एंगल ए डी सी 90 होगा और लास्ट में ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री है, तो अगर चारों 90 डिग्री है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। देखिए ऑल द फोर इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर 90 डिग्री, सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है।
ये हम कह सकते हैं। ये हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है, अब देखिए नॉन पैरेलल साइड की बात किया ट्रेपेजियम की। ठीक है, अब बनाते एक ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है कि साइड्स का एक सेट पैरेलल होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी पैरेलल डी सी है। ठीक है, ये खास बात होती है ट्रेपेजियम में। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी ए डी और बी सी, वो क्या है इक्वल है, यानी इसकी लेंथ इसके बराबर है। तो कह रहा है अगर कोई ऐसा ट्रेपेजियम हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये ए बी सी डी हमेशा क्या होगा, एक साइक्लिक होगा। ठीक, ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। साइक्लिक होने का क्या मतलब है कि ए बी सी डी से कोई ना कोई एक सर्कल पास करता होगा। ठीक है, ऐसे ये इसका कहने का मतलब हुआ साइक्लिक से। अब देखिए हम इसको साइक्लिक कब प्रूव कर पाएंगे, हम साइक्लिक तभी प्रूव कर पाएंगे अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ लगते हुए अगर हम दिखा दें, इस ट्रेपेजियम में लगते हुए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई प्रॉपर्टी दिखा दें, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब होता क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, या कहें तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी बी प्लस डी 180 देंगे और ए प्लस सी कितना देगा, 180 देगा। ठीक है, अगर हम ये चीज़ यहाँ लगता हुआ दिखा दें तो हम क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम क्या है हमारा, साइक्लिक है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हमारे पास ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ए डी क्या है, बी सी के बराबर है। अब देखिए हमें पता है कि पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें हमें पता है कि ये एंगल और इस एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है, ये हमें पता है। अब देखिए ए बी और ये डी सी पैरेलल है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है, ठीक है, ए डी को अगर मैं दोनों साइड एक्सटेंड करूं तो ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180। अब देखिए इसको मैं एक्स लेता हूं और इसको वाई लेता हूं, ठीक, तो एक्स और वाई दोनों मिलके 180 देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक्स और वाई दोनों मिलके 180 देते हैं, और मुझे क्या चाहिए कि ये और ये दोनों मिलके 180 दें, तभी तो मैं इसको साइक्लिक कह पाऊंगा। ठीक है, ये और ये मिलके 180 दें तब मैं इसको साइक्लिक कह पाऊंगा। अब देखिए ये एक्स और वाई 180 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई यहाँ भी रहेगा, तभी तो एक्स प्लस वाई कितना होगा, 180 होगा ना। इसका मतलब मुझे करना क्या है, सिंपल सी चीज़ ये है कि इस एंगल को अगर मैं इस एंगल के बराबर दिखा दूं तो ये मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि 180 मैंने पहले ही ये कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बस यही दिखाना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखिए दूसरी चीज हम ये करेंगे कैसे, देखिए एंगल बराबर दिखाना हो या फिर साइड बराबर दिखाना हो, ठीक है, उसके लिए हम अभी तक क्या करते हैं, सीधे सीधे हम क्या लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वही प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कोई ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ए डी बी सी के बराबर है, यानी एक हिंट हमें पहले से दे रखा है यहाँ पे कि एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये इसके बराबर दिखाना है।
ठीक है। फिर और क्या यूज कर सकते हैं हम, देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालता हूँ ए पॉइंट से डीसी पर, साथ ही बी पॉइंट से डीसी पर ही, तो देखिए ये हमें 90 मिल जाएगा, ये हमें 90 मिल जाएगा, साथ ही ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा और ये दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। इसमें हमें क्या क्या बराबर मिल गया, एक ये साइड, फिर ये 90 डिग्री, दूसरी चीज ये भी बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, ध्यान से देखिए, ये पैरेलल लाइन है ए बी और डी सी, और ये परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए ये एम एन पॉइंट है, तो ए एम और बी एन ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। तो हमें ये अच्छे से पता है कि पैरेलल लाइन के बीच जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा एक जैसा रहता है, यानी बराबर होता है, तो ए एम बी एन के बराबर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ए डी एम और बी सी एन में हमें तीन चीज़ें इक्वल मिल गई, एक तो ये साइड, फिर ये वाली साइड और ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सब इक्वल होंगे, यानी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये एक्स है, तो एक्स प्लस वाई हमने पहले क्या निकाल के रखा है, 180, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। गिवन क्या है हमारे पास, ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इसमें क्या है कि ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है, बस यही दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर्स ए एम एंड बी एन ऑन साइड डी सी, ठीक है, ए एम बी एन डी सी पे हमने दो परपेंडिकुलर डाले, ठीक। अब इसमें सबसे पहले चलते हैं ये और ये, इन दोनों को 180 दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो ये आगे हमारे काम आने वाला है। तो लिखते हैं प्रूफ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए टी सी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसका रीजन लिखते हैं, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए डी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, एंड एंगल बी ए डी, ठीक है, बी ए डी इसकी बात कर रहा हूँ, एंड एंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है, ए डी सी आर इंटरनल एंगल्स ऑन सेम साइड, ठीक, इस वजह से ये 180 डिग्री। अब इसको मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ। अब चलते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेते हैं और इनको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी एम, ठीक है, देखिए ये लिया है ए डी एम, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, बी सी एन एंड ट्रायंगल बी सी एन
देखिए, ए डी इस ट्रायंगल में, ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, ये हमें दे रखा है, फिर एंगल ए एम टी इक्वल टू एंगल पी एन सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला है, ए एम एंड बी एन आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है। फिर ए एम इक्वल टू बी एन, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम, ठीक है। जो ये पैरेलल लाइन है ए बी और डी सी, इनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, और डिस्टेंस निकलता कैसे है, परपेंडिकुलर डाल के, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमें क्या बताती हैं, इसलिए ट्रायंगल ए टी एम कांग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल बी सी एन के। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, हमें क्या चाहिए था, ए डी एम एंगल ए टी एम इक्वल टू एंगल बी सी एन, ठीक है, बी सी एन, बी सी एन, इसका और इसका मुझे जरूरत था। अब देखिए ए डी एम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ए डी सी और ए डी एम एक ही एंगल है ना, ए डी एम और ए डी सी, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ इक्वेशन टू, ठीक है, वन और टू का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी एन, ठीक है, बी सी एन किसके बराबर है, एंगल बी सी डी के इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए मैंने ये वाला जो लिया है, ये बी सी एन इक्वल टू बी सी डी, ये क्यों लिखा है, देखिए बी सी एन यहीं तक आ रहा है तो बी सी डी लिखा है मैंने, क्योंकि ये एंगल की बात है तो एंगल का इस डिस्टेंस से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो बी सी एन इक्वल टू बी सी डी हमने लिखा है क्योंकि हमें बी सी डी की जरूरत है। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। मैंने क्या किया है कि ये जो ए डी एम है, ठीक है, ए डी एम ए डी सी के बराबर है, तो ए डी सी की जगह मैंने, सॉरी ए डी सी और ए डी एम बराबर है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए डी एम की जो ये वैल्यू है उसको ए डी सी की जगह रख दिया है, ठीक है, यानी बी सी एन रख दिया है ए डी सी की जगह, तो बी ए डी प्लस बी सी एन, ठीक। अब देखिए बी ए डी प्लस बी सी डी, बी सी डी लिखते हैं, बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास ये जो ट्रेपेजियम है इसके आमने सामने के जो एंगल्स हैं उनको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। हियर अपोजिट एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम आर
सप्लीमेंट्री, ठीक है। क्या लिखा मैंने कि ये दोनों ऐड करने पर 180 आ रहा है, और ये दोनों हैं क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम, ठीक है। सो द ट्रेपेजियम इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या कह रहा है कि दो सर्कल हैं, ये एक सर्कल है, दूसरा ये छोटा वाला है। ये क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं दो पॉइंट पी और सी पे, एक यहाँ बी और यहाँ सी पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बी से दो लाइन ए बी डी, ए बी डी एक लाइन गई है, दूसरा पी बी क्यू, पी बी क्यू, ठीक है। ये बी पॉइंट से दो लाइन गई है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अब देखिए इन सबको मिला दिया है, ये पी को सी से मिला दिया है, क्यू को भी सी से मिला दिया है, ठीक है, एंड डी को सी से मिला दिया है। अब देखिए करना क्या है हमें, ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ए सी पी कहाँ है, ए सी पी यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल क्यू सी डी के, क्यू सी और ये डी, ठीक है, इस एंगल के बराबर। देखिए क्वेश्चन ये बहुत आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि करना क्या है इसमें, आप इसको अपने से लगा लीजिएगा। देखिए अगर आप ये देखेंगे पी ए, ठीक है, पी ए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये एक आर्क है, ठीक है। अब इस आर्क पे देखिए सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल बन रहा है और दूसरा यही सी बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। इसी आर्क पे सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बन रहे हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। दूसरी चीज़ देखिए, ये पूरी एक लाइन है और ये पूरी एक लाइन है तो ये इसके बराबर नहीं होगा, एक ऐसे लाइन जा रही है एक ऐसे लाइन जा रही, ये हमारा एक्स है तो ये भी एक्स नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो गया। फिर देखिए यहाँ पे एक आर्क है डी क्यू, इस आर्क पे एक एंगल ये बन रहा है एक एंगल ये बन रहा है, इस छोटे वाले सर्कल की आप बात करें तो, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पे एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा कि नहीं, ठीक। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ आए फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो ये दोनों एक्स एक्स बराबर आ गए कि नहीं, तो हमें यही तो प्रूव करना था कि ए सी पी क्यू सी डी के बराबर है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दो थियरम है इसमें, वर्टिकल अपोजिट एंगल का और एक ये आर्क वाला, इसको इसके बराबर दिखाइए, फिर इसको इसके बराबर दिखाइए, फिर इसको इसके बराबर दिखाइए, ठीक है। सब आपस में बराबर जाएंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, आप अपने से कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कल ड्रॉ किए गए हैं कहाँ से, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एज डायमीटर। एक मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें क्या किया कि किसी दो साइड को डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जैसे ये एक सर्कल है एक सर्कल, ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो कह रहा है कि जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो थर्ड साइड पे लाइक करेगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसके दो साइड पे एक ये सर्कल बनाया और दूसरा ये सर्कल बनाया, ठीक है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो यहीं पे, लेकिन ये जो दूसरा वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहाँ है, ये इसकी तीसरी साइड पे है, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो ट्रायंगल के तीसरे साइड पे होगा, ठीक।
तो देखिए ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इस टाइप का फिगर हमें पता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा अलग टाइप से पूछ लिया है, ठीक। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमें दे रखा था कि ये डायमीटर है और हमें ये प्रूव करना था कि ये जो है ये पॉइंट, ठीक है, इस लाइन पे है, ठीक। तो चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ये सर्कल है जो ए बी को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया है, और ये छोटा वाला सर्कल ए सी को डायमीटर मान के ड्रॉ किया गया। ये यहाँ इस पॉइंट पे कट करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ एम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बी सी पे ही है, ठीक है। ये सेंटर लेता हूँ ओ और इसको ओ डैस। अब देखिए हम यहाँ ऐसा क्या कर दें कि हम ये बात बोल सके कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन थर्ड साइड। देखिए हमारे पास सब तो दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ से कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि ऐसा हम क्या करें कि हम ये बोल सकें कि एम पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वो बी सी पे ही है। तो देखिए इसको करने का आसान तरीका क्या है, अगर मैं इसको मिला लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा सिचुएशन है, ज़ूम करते हैं, ये है आपका ट्रायंगल, ये मैंने सर्कल दो ड्रा किए। अब देखिए मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, अभी तो यहाँ क्या दिख रहा है कि इन दो सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो यहाँ पे नहीं है, इस लाइन पे नहीं है, ए बी सी, ठीक है, इसको मैं एम लेता हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, ठीक, और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, तो अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो सर्कल है इसके लिए ए बी डायमीटर है, ठीक। तो ए बी डायमीटर होने की वजह से ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा पार्ट जो है ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ए एम बी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इस छोटे वाले सर्कल के लिए अगर आप देखेंगे तो ए एम सी भी कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। अब टोटल अगर आप देखिए तो बी एम सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बी एम सी एक लाइन है, जबकि ये जो दो पॉइंट है बी सी, इसे केवल एक ही लाइन गुजर सकती है। यहाँ पे हमें दो लाइनें दिख रही हैं, एक ये और एक ये, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम पॉइंट जो है वो बी सी पे ही है। तो हमें क्या करना है, मात्र कि बी एम सी को हमें दिखाना है कि ये पूरी एक सिंगल लाइन है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, फिर दो सर्कल है, सर्कल सी वन सेंटर ओ है, रेडियस आर वन लेता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख लेता हूँ विथ डायमीटर डायमीटर क्या है इसका, ए बी। ये लिख के मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो सर्कल बना हुआ है वो इस ट्रायंगल के ए बी साइड पे बना है, ठीक। साथ ही साथ सर्कल सी टू जो है इसका सेंटर मैंने ओ लिया, रेडियस आर टू लेता हूँ, और डायमीटर डायमीटर में क्या लेता हूँ, ए सी, ठीक। ये इतनी चीज दे रखी है, मैं प्रूव क्या करना है, यही चीज यही लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सी वन एंड सी टू लाई ऑन बी सी, पॉइंट पॉइंट का भी नाम लिख लेते हैं एम, ठीक है।
सी वन और सी टू का जो इंटरसेक्शन पॉइंट एम है वो कहाँ है, बी सी पे है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे क्या किया है, ज्वाइन ए एम, ठीक, ए एम को हमने क्या किया, मिला लिया है। अब प्रूफ देखते हैं। देखिए एंगल ए एम पी इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल फॉर्मड इन सेमी सर्कल है एंड एंगल ए एम सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, इसका सेम रीजन वही है। अब यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सो एंगल बी एम सी कितना हो जाएगा, एंगल ए एम बी प्लस एंगल ए एम सी। देखिए एंगल बी एम सी की बात करूँ तो क्या होगा, बी एम ए प्लस ए एम सी, ठीक है, तो ये दोनों कितने हैं, 90 90 हैं। यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल पी एम सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बी एम सी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, ऑल्सो प्रूव्स दैट पॉइंट एम लाइज ऑन बी सी, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि ये है ए सी, ठीक है, इस पे ये ए बी सी बना है, ठीक है, ए बी सी, फिर इसी पे ए सी पे एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना है ये ए डी सी, ठीक है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, या फिर ऐसे हो सकता है ए बी सी, बी इधर हो और डी इधर कहीं हो, ठीक है, तो ये दोनों केस। एक तीसरा केस भी ये हो सकता है कि ए सी ये है डी इधर बनाओ मैं और बी इधर बनाओ, ठीक है, ए डी सी और ए बी सी, ठीक, इस केस के बारे में हम बाद में देखते हैं, पहले इसको और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं आऊं तो इसमें हमें क्या करना है, सी ए डी, सी ए डी इसको किसके बराबर दिखाना है, एंगल सी बी डी के, सी बी डी के ये इसके बराबर दिखाना। इसमें अगर बात करूं तो एंगल सी ए डी, सी ए देखिए ये डी था, सी ए डी, ठीक है, सी ए डी यानी ये एंगल, फिर एंगल सी बी डी, सी बी डी इसको मैं इससे मिला देता हूं, इसके बराबर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए होगा कैसे,
सिंपल सी बात है, अगर आप AC को कंसिडर करें तो AC पे क्या ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बना दीजिए, क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि ABDC वो सब कहाँ है? एक सेमी सर्कल पे बने हुए हैं, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। तो अगर सेमी सर्कल पे बने हुए हैं तो आप यहाँ से देखिए, CD जो है क्या है? एक सेगमेंट है, सॉरी कॉर्ड है, ठीक है। इस कॉर्ड पे, इस सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं, एक TAC दूसरा CBD। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। वही चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि ये 90 है और ये 90 है। ये आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, ये दो आमने सामने की जो एंगल्स हैं इनका सम कितना है? 90 प्लस 90 180 है, ठीक है। तो 180 होने का मतलब क्या हुआ? ABCD एक सर्कल पे है, और ये ABCD क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर ABCD एक सर्कल है तो यहाँ पे अब देखिए, CD फिर से हम लेते हैं एक कॉर्ड, इस पे क्या बना है? ये एक ये एंगल बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, दूसरा एक ये एंगल बन रहा है, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं तीसरा वाला केस लेता हूँ, ये है AC और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल AC पे है। अब मैं B को इधर लेता हूँ, D को इधर लेता हूँ, तो देखिए पूछ कह रहा है एंगल CAD, CAD ये, फिर एंगल CBD, CBD ये पूरा, ठीक है। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये इसके बराबर नहीं है। तो कहने का क्या मतलब, ये गड़बड़ी ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि ABC और ADC का जो क्रम है, ठीक है, ABC फिर ADC का जो क्रम है वो हमने यहाँ फॉलो नहीं किया है। हमने ABC वहाँ ले गए और ADC यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। AC के ऊपर ये ABC है और ये ADC है, तो इनका जो ऑर्डर है वो हमें फॉलो करना था। हमने यहाँ ADC दिखा है फिर ABC दिखा है, इस वजह से ये गड़बड़ी पैदा हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जिस क्रम की बात किया है ABC और ADC का, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले ये लेते हैं, ये है हमारा AC, इधर मैं लेता हूँ B, इधर मैं लेता हूँ D, ठीक है, ये 90 है। अब देख क्या रखा है, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर राइट ट्रायंगल्स, ठीक है, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। अब सीधे प्रूफ पे आते हैं। देखिए हम लिखते हैं ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच एंगल T प्लस एंगल P इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है? 180। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। फिर देखिए अब क्या पूछ रहा है, एंगल CAD, CAD यानी इसके बारे में पूछ रहा है, फिर एंगल CBD, CBD की बात कर रहा है, तो मिला लिया।
CBD को, ठीक है, ये एंगल को बराबर करने के लिए कह रहा है। अब एंगल CAD एंड एंगल CBD आर एंगल्स सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट्स। सो एंगल CAD किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CBD के। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा वाला फिगर लेते हैं, उसके लिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये है, इसको मैं AC लेता हूँ, ठीक, ये है ABC, फिर ये ADC, ठीक है, क्रम का हम ध्यान रखेंगे। फिर देखिए यहाँ किसके बारे में पूछा है, CAD, CAD यानी ये एंगल। फिर किसके बारे में पूछा है, एंगल CBD, CBD यानी को मिलाते हैं, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। अब देखिए मैं सीधे सीधे लिखता हूँ प्रूफ क्या है इसका, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी आर राइट एंगल्स, सो दीज एंगल्स आर सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है, ठीक है, वो सेम सेमी सर्कल में बने हुए हैं विद ए सी बीइंग डायमीटर, जिसमें ए सी क्या है, डायमीटर है। ठीक, अब जब हमने ये प्रूव कर दिया कि एक सर्कल के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल सी ए टी एंड एंगल सी सॉरी सी पी टी आर सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट। देखिए सी ए डी और सी बी डी, ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, आप अगर सी डी को काट लें तो ये जो पूरा एक सेगमेंट है, ठीक है, इसमें एक ये एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफ्रेंस पे और एक ये एंगल सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, सबटेंड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। साइक्लिक पैरेललोग्राम, देखिए मैं इसको डायरेक्ट करवाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब क्या कह रहा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, यानी आमने सामने के जो एंगल हैं वो कितने होंगे, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है, यानी ये कहाँ बन रहा है, एक सर्कल में बन रहा है, तो ये क्या होगा, असल में एक रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल होगा कैसे, अगर हम ये दिखा दें कि इसका ये जो एंगल है, कोई भी एंगल 90 डिग्री अगर हम दिखा दें, तो पैरेललोग्राम अपने आप रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे देखिए, एंगल डी प्लस एंगल बी कितना है, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये एक साइक्लिक है। ठीक है,
साइक्लिक पैरेललोग्राम में इसकी वजह से एंगल डी प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखिए दूसरी चीज, एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल बी, सॉरी एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक और दो लेता हूँ, फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है, एक और दो अगर हम लेंगे तो डी की जगह अगर मैं बी रख दूँ, ठीक है, यहाँ डी क्या है, बी के बराबर है, तो इस डी की जगह मैं ये रख देता हूँ, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से टू एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री, यहाँ से क्या होगा, एंगल बी 180 डिग्री अपॉन टू यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, तो एंगल बी क्या आ गया, 90 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो गिवन पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ऐसे करना है इसको आपको। चलिए तो ये तो था लास्ट क्वेश्चन, ठीक, तो देखिए अब यहीं पे हमारा सर्कल चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। पूरे चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और आपको अगर ये चैप्टर, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Yeah.